चलती का नाम गाड़ी होती है। नहीं यार तुम समझा भी सको, गुस्सो की तो भरे पड़े हैं, काट दो एक दिन। सोना वर्क चे पूरा ही दे देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की नर्मदा पूजा कराए थे जी। 70s लेस चैलेंज करने वाले हो क्या? कुछ औरतें और लेडीज और लड़कियां उम्र की छुपा हो जाए। हमें चंद्रयान पे तू भी जाएगी? मैं तो कहीं घर काम पूछ जड़ा जाऊंगी गई। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो? मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया हूं और सबसे पहले आपको तबीयत के समाचार देता हूं। भाई अभी भी गले में दर्द है और स्वेलिंग आ रही है, गले में बोला नहीं जा रहा, कई कई शब्द है ना जो मुँह से फिसल जाते हैं। अच्छा वीला का रास्ता याद है क्या आपको? जैसे ही वीला का रास्ता आएगा आप रोज बोलने लग जाते हो वीला वीला। और कहाँ चलना है? कहाँ पे नहीं चलना? गेम खिलाने लेके चलूँ आज? खूब सारे टॉयज खिलाने। टॉयज का नाम पे सोच जाए कि मामू बेटी को आप गोली दे चार बारी, आज भी गोली कट रही हो लो। कट गया वीला वाला। वीला चल रहे ना अभी बेटू? आज खाना किसने खिलाया? नानी ने। नानी अच्छी है? मामी? मामी अच्छी है। और मामी अच्छी है? मामा बिक गया बे। मामी मामी हर चीज में मामी बिक गया। बिक गया बिक गया। तू क्या कह लू रिचार्ज कर मगर? किसके? अभी छोड़ भाई, तू भी आगे साथ बैठ। तो आप ही बोले चलो इसको छोड़ के आते हैं। मैं कहा चलो कहीं यार रोबा लाग जाए ना, तू चाह लिया तने भी स्कूल स्कूल देख बाकी थोड़ी आदत वादत पड़े ना भाई, कहीं स्ट्रगल झेल रही हूँ मैं। तो दो तीन दिन तू बीमार तुझे आराम से मर, नहीं तो यहाँ मान ले की मैं बजा चक रही हूँ जो रात ने एक बजे रुकू तू यार। इतना काम करते हो जाकर तब आप? अभी तो शरीर बन गया खा के, जितना काम करोगे उतना ही खाएगा आदमी। एक्सरसाइज किया करो और कम खाया करो जाकर सब, बहुत ज्यादा ठूसते हो आप। अब तो खाएगा, तीन दिन से कुछ खाया नहीं? तीन दिन से भाई तीन ही रोटी फिक्स खाई है मैंने। हाँ लेकिन एक्सरसाइज भी किया करो जाकर साहब, ताकि हेल्दी बॉडी रहे और फिर खाए हुआ पच भी जाता है। तबियत तो सही हो एक बार तारी आज ही करा ली, मारे ली कहीं सुपर ले रही जाएगी। खराब हो रही है तबियत भी, नहीं करते इम्यूनिटी तभी बनती है। अब जाऊंगी एक्सरसाइज करवाने। आज निकल चल जाना, आज गहली पड़ गई यार बांध चुंदड़ी कहीं लुगाई जाए यानी कि कोई होया करे जगह। एक तो यहाँ जो सूता गए पकदा पे सूता कटदा बड़ी जे मी 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 कर ले ने बोलवा सब दो जना आ गए। क्या कर ले मी मी? आज क्या बोलोगे मैम को? पढ़ाई कर लिया अभी एक बाइक आड़ो आज बिल्कुल आगे फंसा दियो जबरदस्ती। आज तू तुम्हें मोर कर बना को धमका दियो मैं जोर सू बीने तो वो भाग गो। शिवा देखो शिवा क्या हुआ? क्यों क्यों डांटा? वो कितने जोर से बोल रहा था ना, वो बदतमीज था, बदतमीजी कर रहा था तो डांट दिया मैंने उसको। सही किया हाँ। आपने तो डांटा ही नहीं उसको। मैंने डांटा अच्छा, अच्छा नहीं डांटोगे? नहीं क्या बोल रहा? नहीं डांटूंगा मैं तो, सिर्फ डराऊंगा। भाई शिव आराम की मौज देगा, नीचे छोड़ दो चला जाएगा खुद। अच्छा गोदी में छोड़ के आओगे? बाय मैं लेने आऊं। भाई साहब भूखा मर रही थी मैं, तेल डलाया 1500 रुपया को जाऊंगा कतरी सी खूटी ऊंची उठी बता। ऐसे पीते तो जाकर साहब गाड़ी और 1500 रुपया में हमने दुनिया की टंकी बार लब लब फुल हो जाती है, बच जाता फिर। चलती का नाम गाड़ी होती है, चलती का नाम गाड़ी होती है। और त्रिशी भरी जने अब मात्र मात्र दो दिन को तेल भरे जो मार गए कार्ड वगैरह सब का रखा ये वजह से फुल कौन करा इन। चलो ठीक से ओए डला नहा धो के अब हो गया गोभी के फूल की तरह एकदम मस्त तैयार। और अब आपको पीछे टावल सूखता हुआ दिख रहा है ये वाला? भाई जब भी मम्मी इसको यहाँ देखती ना मेरे पे चिल्लाने लग जाती ना कि मैं इसको यहीं टांग देता हूँ और फिर रोज 10-15 मिनट का लेक्चर चलता है। लेकिन इस कान से सुनो और इससे निकाल दो और निकल जाओ। अभी मेरा गला थोड़ा ठीक है क्योंकि दवाई वाई ले रखी है और काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी जस्ट एक रील एडिट करी उसके बाद लैपटॉप चार्ज लगाया, लैपटॉप ने बेचारे ने दम तोड़ दिया क्योंकि इसको चार्ज लगाए मुझे 8-10 दिन हो गए थे। भाई आप तो चार्ज कर लो कितना साथ दूं तुम्हारा। ठीक है जी आज हमारा प्लान है रील वील शूट करने का क्योंकि मौसम सही है। मोड़ा भाई कहाँ जा रहा है इतनी स्पीड से? पूजा करने। काहे की पूजा करने जा रहा है आज? बस यही भगवान की। वाह भाई वाह, भगवान की होती पूजा, पूजा और किसी की थोड़ी होती है। अब सबसे पहले एक काम कर ला, पापा को टिफिन पकड़ा रहा हूँ मैं जा रही हूँ पापा ने टिफिन पकड़ावा के लिए। और मौसम विभाग की जानकारी दे दू, बादल हो रहे थे काला काला लेकिन बरस दरी को ने बेटी का बाप, सारा का सारा पानी भर और ऊंच रेन मिले भाई भाषण कुण तारा को पर बरसे नहीं भाई। आज फिर भी मौसम ठीक छे, काल में रील बना बड़े छत पर छड़े सबने देख रही वापिस भाई पका ओटा आगा भयंकर उमस और गर्मी जी। अब रात ने थोड़ी बहुत यहाँ बारिश आई ना मौसम थोड़ा फिर भी ठीक छे। अब रील वील शूट कर ला, अब एक बार पापा ने टिफिन पकड़ाया और शिवाराम ने लिया। पहले बिल सोलर बिल ऑनलाइन जमा कौन हुआ बटे विभाग में जमा कराना रहे तो बेटा वो आप जमा कराया कौन कराया मैं नहीं बताऊं। वो पापा भूल गए यार मैं। भूल गए तो आप अभी जाओ वहाँ पे और वो पहला बिल जो है एक जमा करा। कितनी पेनल्टी लागे ली? पेनल्टी कौन लागे भी कमाए कौन लागे अपन बिल जमा करा। लो 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 फिर रिपा दो खर्च कर दिया धारकन से। हाँ भाई पापा मन बिजली को बिल का रिपे दिया था जो पूरा सपम पाठ करके रहे हो मैं तो। अब मैं दे रही हूँ 17,000 को बिल चाहिए जमा कराया। चलो ले आओ ले आओ रिपे दे रिपे आप दो। तो भाई पापा मन पैसा दे दिया था 4-5 दिन पहले, फिर मैं डेट भूल गया और फिर खर्चा खर्चा पूरा उड़ गया। पूरा ही दे देता है
अब तो देखे ना पापा इंजार में कियो पापा ये बात है। अब साची बात कह दीजू ना जना पापा रोज फोन करे अरे मैं मंत्र देता हूँ पापा हो गो जमार फिर अगला बिल में ध्यान चाल तो भाई पेलेंटी लग दी जाए फिर मन कौन बख्शता अरे फिर रही पे मैं खर्चा और पैसा दे दिया क्या ए भी ले जा तू जा तारो काम करे पूरा अरबी के बाद में आज मैं बन जाएगा बालाजी भी जा रही हूँ क्योंकि जो मारे फूफा जी से बन लेट जानो कोई काम से बने तो देखो रील वील शूट हो जाए जी के बाद में प्लान बना लो जाबा को न जाबा को बाकी अभी पहले चला था शिवन लेवा के लिए बिल जमा करा हुआ तीन बार आ चुकी और तीन यूबर जाएगा जो हड़ताल की धमकी देर बंद कर मिला है सिस्टम में। बिल की जो पेनल्टी लागे जो आग लो बुक तुम मतलब तीन बार कंटिन्यू आगो एक दिन तो पहले आई जो भी दिन तो मन लागे की भीड़ यही लाग मिली हाल आयो जब मैं जल्दीबाजी में देखो और आज पूछो ना तो भाई बिल जमा हो रहेगा सात आठ दिन और हड़ताल फिर मैं क्यों भाई पेनल्टी कौन भुगत लो बंदर जावे कस्टमर ही भुगत मन तो कौन ध्यान यार वो कोई जमा पूछ गई आपके बाल देखो कैसे हो रहे तेरे नाम स्टाइल में आज किसने बनाई है कहाँ जा रहे हो इधर 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 गेट खोल चाबी भी लेके गेट खोल क्या नौटंकी कर रहा था लाओ चाबी दो ओ डेमो शिवा विला पे डोगी आ गया वो आप बदमाशी करके आए थे क्या विला पे भी सात दिन नहीं वो बोला कि बदमाशी करता है शिवा रोता है खूब आप रोए थे भूत से डराया था किसी ने तीन गाय दीदी थोड़ा बहुत भूत को नाम ले डरा दी जैसे छोरो गुमसुम रहे वाला आपको एक बहुत ज्यादा डर जाए चीज को अच्छा विला पे डोगी मारने चले डरपोक नहीं डरपोक अत्रो शाही मेकअप कर और हेमा मालिनी बन रही बैठ शाही मेकअप कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है भाई मुंडा सु दिख रहे और थे देखो ए ले बोला आंगली रगड़ साफ कर देखो क्यों रगड़ लिपस्टिक लगाई बताओ लिपस्टिक लगाई सिर्फ लेकिन बढ़िया लग रही है एकदम फिर भी तुम्हारे से सुंदर कौन लग सके कोई बात कौन लग अगर मैं अत्रो कपड़ा पहलू ना धोती कुर्ता रहे तो ऐसा लगता हूँ आज जैसे कोई दूसरी दुल्हन लेने जा रहा हूँ ले आओ यार ऐसा लगता हूँ मैंने ऐसे कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ लगते हो तो इसका मतलब लाने में ही हो आप ले हो जाओ पड़ी से मार था पीने बावली बात करा एक नजर लीजो खूब से तो फिर फालतू की बात तभी क्यों करो यार थारी टांग खींच तो जरूरी है ये शिवा को देखो वो भाई साहब तीन एक लो बैठे थे चूरण लीजिए जो रोज आ रही थी क्या सुसु आ रही क्या बिन क्यों तैयार कौन करी थी मम्मी को बहुत काम रहते हैं बहु तो ठल लीजिए तो ऊंदरा की जिया उन्हें पुतक ले सारे दिन पुतर 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 काम क्यों कौन करे काम कौन करा जमाना है भाई अतरा डा शब्द क्या बोल रही कौन सा आड़ी शब्द बोल दिया जाकर साहब क्यों काम ये आपका प्लान था रीलों का आप ही अपने प्लान में मेरे को तैयार करके बिठा दी और खुद बोल रहे मैं जाऊंगा तो रील बनवा जा रही हूँ यार बताओ अब ये चमका खाए जाए जार को ना कोई बड़ा आदमी काम दे दियो तो आओ तो राजीव राजीव और क्या सीखे राजीव और नहीं मेकअप उतार दूंगा जाओगे तो फिर भी नहीं एक बार राजीव कौन जाओगी वरना कौन जाओगा नहीं मेकअप उतार दूंगा वरना कौन जाओगा जाऊँ तो लवन मेकअप उतार दूंगा पहले कह रहा कौन नहीं क्यों मैं मेकअप उतार मैंने खाली लिपस्टिक ही लगाई है हमने तो सिर्फ चाकर साहब दोनों जने खड़े जा रही तो बनाओ कोनी रील बना तो दी थारी कोनी ढंगी कौन बनाओ गुस्सा करो दुनिया भर को ढंग सुने कर लो तो गुस्सा तो करे लो आदमी नहीं यार तुम समझा भी सको गुस्सा कितो भरे पड़े हैं जो काट दो एक दिन तो आप शाम तक जा वाली हो रुको भाई जाओ हां जा रही मैं जाओ और गाड़ी ठोक दो तुम नहीं याद मत कर जाओ ठोका चलो ठीक है रोटा पे याद मत कर जी मान काए रोटा खा बट मत याद बैठ रोटी बन से बाहर तो आठवीं जो गाड़ी तो यार ना चले बेटा हां चलो बाय तो एक घंटा डोल डाल तो नहीं सास बहू वोटी है कठिन है ये काई मजा कर रहे जो मला दीदी जा रही है बस नहीं नहीं अरे गाड़ी वेश वाली जा रहा मारो फलू दो वाह यार अर गाड़ी के मां नहीं बन विश्वास बिल्कुल है ही नहीं ना नहीं विश्वास पूरा हो जो भाई तू ठोकर लिया बोली मेरे पर विश्वास दिन में रखो ही गुनी भाई रील वील शूट करता करता माँ ने बच गई चार और आज मम्मी चाहे को ने जो सौ सौ ज्यादा टेक ली फिर भी वो रील शूट को नहीं कहीं जाए अरे बाबा कांडी छांगा को सुन मारो चाहे बापना भाई मम्मी को कोई राखी को सीन जो जी मत छांगी को और सीन जो और नैनान का खड़ो चाहिए छांगी देख कहीं सकरात पर बजा रहे चाहिए भाई नैनाना तरसो खड़ो जो सकरात पर बजा रहे जो छांगी ले जो नैना तो क्या सकरात पर पूरी रेस खोल दी दोनों जनी भाई नकड़ा रीटेक हुआ तो चलो मैं जा रहा हूँ बंदे के बाला जी जाए जाए फूफा जी के घर आता है फूफा जी डिग्गिन कर दिया एकदम पैक फूफा जी कहीं लेट जा रहे हो तो सारा सामान थे बटे बंदे के बाला जी तो कत्ता दिन लगला तीन दिन काल रामायण से तो सामान तो पूरा लड्डो भर मेल लिया माइन हाल तो हो रहा है बटे अरे भगवान फूफा जी अतरो सारा सामान तो सामान तो लागे ही बांटा था बहुत बढ़िया भाई फूफा जी को घर जब तो काफी लोग देखेड़ा वाला नहीं देखेड़ा जो देख लियो फूफा जी के घर के माइन मंदिर देखो थे एक बार कतरो एकदम शानदार और
बड़ो सारो मंदिर छे। फूफा जी ते काई बता रहे मैंने बारे सोना जो तविदा दिख रहे सारा सोना का वर्क छे हाथ का कोईड़ा। फूफा जी आओ जे श्रद्धा नहीं तो लोग बाग मंदिर छोटो सो कतरो सो बंदिया का बारा जी जटे जा रहे वो जो हमारी साथ पड़ी जन बबीता भी को कमरो जता दिखाऊ मैं तो चेहरे लड्डू गोपाल जाके नर्मदा पूजा कराया पूजा कराया था भैया स्वामी ने पूजा करा रहे था। 11 पंडित पूजा करवाई थी गवा में मक्का में मसरी में बादाम काजू किसमें सब टाबर सुबह ज्यादा सेवा हुई सेवा जाएगी। अगर कपड़ा तुम्हें बार पाचन मिले कोई थे मतलब था का कपड़ा कौन सी ज्यादा कपड़ा जाएगा बोरा भरिया जी कपड़ा का थैला भरिया जी बैग भरिया जी भैया खूब ज्यादा और भगवान मत ही भेजे जाके लिए। और देखो लड्डू गोपाल की पूरी मतलब ये भी लड्डू गोपाल छोटा लड्डू गोपाल एक दीदी का छोटी दीदी का एक बड़ी दीदी का भाया का हिसाब से लड्डू गोपाल जी तो कतरी बढ़िया व्यवस्था कर मिले राजगद्दी से एकदम राजगद्दी के पास राज करा जाए तो मैंने बताओ बुआजी फिर सात बटे संभालो लगे थे मैं संभाल लूंगा सब बालाजी का हाथ जोड़ ला बालाजी का शिवा पूजा वाली फिर बटिया सुंदरकांड वाली तो आगे पूजा वाली। चलो भाई आज हमारी गाड़ी भी धन्य होगी सुंदरकांड वाली आज तकड़ी सुंदरकांड का पाठ एक करवाओ ला यही तो करवा रहे थे नहीं बाकी नहीं 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 आपने कहीं कौन है अरमन बुलाया थे देखो मैं तो बिजी रुझू जो आज मैं तबियत खराब थी मैं दो दिन सू लेकिन आज कांटी कहीं एकदम सही हो। फूफा जी बोलिया आप कुंड के साथ आना अपने आप गाड़ी भेजा ला बालो जी मत ही बुलाओ मैं फूफा जी बुआ जी निकल लिया बंदा का बालाजी के लिए तो बोलो बंदा जी बालाजी की जय भाई दर्शन कर ला बालाजी महाराज फूफा जी अतरी जल्दी जल्दी बुला रहे थे मैंने अब क्या तो 1.5 साल तक एक बार कौन बुलाया अब रोज ने आशीर्वाद दे रहे थे अब रोज ने बंदा का बालाजी पहुंच चुके हैं तो थाने दर्शन कराऊं सबसे पहले तो वही देखो सामा साम बालाजी महाराज का दर्शन कर ले बोलो बालाजी महाराज की जय। अब फूफा जी भाई धोक लगा रहे जटे अब आप देख लो बंदिया के बालाजी की आरती और पहले एक बार तक सुबह की आरती दिखाई जो तक शाम की आरती भी दिखाऊंगा आज भैया तो 7 बजे से चालू हो जाएगा वो जी आधी घंटा चलती हुई आरती है ना मतलब चारी तरफ आरती कर फिर आखिरी के अंदर आओ जो मंदिर में रोजिना ठेसी वो बैठो जो राज बैठे थे लड्डू गोपाल जी भाई लड्डू गोपाल जी गाड़ी में रहते हैं जल्दी एहसास तो हो जाए कोई छोटो बच्चों साथ मुझे गाड़ी घुमाए तो अब गाड़ी ना बैठे मुख्य द्वार कर ले जाओ सर फिर गाड़ी में सामान उतार और आप बैठे निकल जाओ ना भाई बोल बालाजी महाराज की जय हो बंदे का बालाजी से निकल रहे थे और एक निशानी का शिव जी महाराज और हनुमान जी की मूर्ति तो अब सीधा वापस जयपुर के लिए निकल गया। हो सके कि काल भी मैं अठे आऊं क्योंकि फूफा जी अठे सुंदरकांड का पाठ और रामायण पाठ करा रहे थे पूरा अठे तो काल परसु पहले दिन मतलब 3 रात अठे ही रहला 3 दिन और 3 रात कंटिन्यू तो मन तो खैर अभी आबा को दे रहा फिर मैं फूफा जी मन थोड़ा काम से फूफा जी सुखाई मारी है मतलब एक बाप बेटा की सी जोड़ी जमा की खूब अच्छी बने चे और भगवान की दया यही बनती रहा आगे भी तो अब सीधा जयपुर चला जा और काल 99% अठे आऊं अगर टाइम तो नहीं आ पाए तो बालाजी महाराज के बठे धोख लगा देना जयपुर जावा मठे मन लाग लो फिक्स एक घंटो कोई ज्यादा को ना पूजा जब फुर्ती में था साथ साथ बातचीत करता करता। आपको पता है हुंडई की वरना को क्या बोला जाता है डीजल रॉकेट भाई हकीकत में ये गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ती है और जिसने वरना चलाई उसको तो पता है भाई इसका क्या बूस्टर है क्या पिकअप है और क्या रोड पे मतलब इसकी ग्रिप है जब ये गाड़ी चलती है ना और अगर डाउन गियर में शिफ्ट कर रखी हो तो यहाँ मान लियो धुआंधार चल रही जी वो छोटो केल डो या पाडो छुड़ागो भाग दो और बाप का हाथ को ना तो भाई भैया ही भाग जाए और मैं थोड़ा सो कहीं जी यहाँ हाईवे वगैरह पे ऊँचू रहे थोड़ा सो गाड़ी नहीं है मतलब खींचर चलाऊं जो तेज कौन चलाऊं खींचर चला बाकी मेरी आदत है जी हाँ एक होते लोग बगा की 70-80 की स्पीड में मतलब लेट जाए मारी एक आदत है मैं 80 की स्पीड 60 ही ले जाऊंगा चाहे भी पास 80 से ऊपर नहीं जाऊं लेकिन मैं 80 की स्पीड 60-60 लेट जाऊं ताकि गाड़ी दुख नहीं पावे। स्कॉर्पियो एन लेने का प्लान बनाया ना स्कॉर्पियो एन ही स्कॉर्पियो एन दिखती है ऐसे लगता है जैसे सारी मेरे लिए ही बनी है यार और भाई क्या रोड पे लगती है ना अब पता नहीं आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है लेकिन भाई ये गाड़ी जिसने चलाई है ना वो जानता है भाई ये गाड़ी क्या चीज है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बानू ये लो बर्थडे गिफ्ट बालाजी का प्रसाद थैंक यू हां उधर का टेस्ट करो डब्बे के अंदर क्या है क्या इस डब्बे के अंदर 70 लेस इसका क्या करने वाले 70 लेस चैलेंज करने वाले हो क्या कुछ फिर अच्छा स्कूल में बांटोगे वाह यार अच्छा राकेश से लाओगे वाह भाई वाह ये देखो भाई 70 चिप्स के पैकेट और क्या लेके आयो 3, 2, 1 ओ वाटर बोतल भी लेके जाओगे साथ में फिर अच्छा बर्थडे की तैयारी भी चल गई क्या पहले से ही स्पेशल फ्रेंड्स कौन है आपके
विश्वास करते जाओ है। तू मैंने बता तू कितना साल की होगी? 50 साल की होगी। सारा मुंडन देख तू लगा 60-70 साल की होगी। 30 की नहीं, आपकी मम्मा होगी 33। फिर 30 की हूँ। तू 30 की क्या हुई? जब मैं 28 को तू 30 की आंख क्या मार रही थी? 31 क्यों जाऊंगी मैं? हां ये बताओ, औरता और लेडीज और लड़कियां उम्र क्यों छुपाओ? कौन छुपाओ? छुपाई तू भी। अरे तो अब होंगी दादा, तू पहले आप 50 साल बोली ना, जब मैंने 60 बोली दिन खुशी हुई, लेकिन मैं 33 साल बोली ना। आर सारा का आंकड़ा वो कैंटी दे रही थी तुमने चेक करने के लिए? काई काई चेक करू ला कुण की? जीवा की। जीवा कद्दू की फीवर उल्टी हो रही है कद्दू की? अबारो वाला की और कीटोंस को स्ट्रिप ले जा मेडिकल। तू भाई स्ट्रिप लगा ली का मैं टॉयलेट में? अरे स्ट्रिप का मैं चेक को ली। जब वो टॉयलेट करेगा ना बाथरूम में स्ट्रिप लगा के देंगे तो डिप कर ली तेरे बाथरूम। अच्छा उससे क्या पता चलता है? कीटोंस बॉडी में है तो नहीं, कीटोंस है तो उल्टी आएगी क्योंकि नहीं। अच्छा कीटोंस को मतलब शुगर लेवल की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन तो कौन पड़ेगा? फिर एडमिट कराना पड़ेगा नहीं तो कीटोंस आएगा। अच्छा कीटोंस चेक करो। चलो भैया जाते हैं, शिवा की तबीयत खराब बता रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर बांजा, माय डियर बांजा। शिवा क्या हुआ? लाइट नहीं जलाए? वो आपने तोड़ दिया टॉयज इसलिए लाइट नहीं जल रही। आपको उल्टी आई? आप ठीक है तबीयत? अच्छा नानी भिंडी खिलाती थी? और नानी भिंडी भिंडी क्यों खिलाई, रोटी क्यों नहीं खिलाई? आपने रोटी क्यों नहीं खाई आजकल बताओ? 2-3 दिन से रोटी भी छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर साहब बोले मिट्टी गोली खाना। बस मिट्टी गोली खा बैठा हो जाए डॉक्टर, अगर अंग्रेजी डॉक्टर का जाबो पसंद कोने भाई ने। मैं भी मारा गलान दिखा लियो तो मारे यहाँ बता रही, जब टॉन्सिल्स को जो ऑपरेशन यूज होना है बी के दौरान कुछ टिश्यू रहेगा तो भाई टॉन्सिल्स वापिस बनगा और एकदम पूरा तरीका उसको बनवा अंग्रेज आपका। तो बोले बहुत अच्छा सिम्टम है कि आपके पूरे टिश्यू नहीं हटे और ये रहने चाहिए बॉडी में, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर बार बार होगा तो फिर से ऑपरेशन ही इलाज है। तो चीज होगी भी तो आप मुकर कौन सका? क्यों मम्मी थकान होता है ज्यादा बॉडी में? थकान के कारण भी थकान के कारण को नोमी मुनी लगे छे कि कुछ भी जरा सा उठ पटांग खाऊं जुने हो जाए मारे। उठ पटांग भी हो छे और तू थक भी जाए छे, जत भी हो छे। कई बार नोट कर ली थारिया चीज ओने ना। अब तो चंद्रयान 3 भी उतर गो, तू कद जाए ली पड़े मन छोड़ के नौकरी पे? देज बाबर ही तुल्या रो बसार दे नहीं यार, जाए ली कर जाए ली करके सोने तू याद थई करेगा यार तंदे अंच में याद करूला। हां तू कॉन्फिडेंस क्यों जतन? कॉन्फिडेंस छे मन। वाह यार इने के जमी टूट प्यार कोई चीज हो छे के जरा भी की याद कमी महसूस कोन हो छे पर न हो छे एक जना महसूस हो छे तंदे अंच में की कमी हमेशा महसूस हो छे। पूछ ना ना आके मैं एक बार आंसू भर तू खदिया बात है सूल ली जे मुंडन मढाई जे। तो भाई इंडिया के लिए त्योहार सु कम कोने, क्योंकि एक इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ो नहीं बहुत ज्यादा बड़ो रिकॉर्ड दर्ज हुई है कि चंद्रयान 3 जा लैंड हो बटे सक्सेसफुली। यस बहुत बड़ी खुशखबरी है ये सभी भारतवासियों के लिए। मम्मी चंद्रयान पे तू भी जाएगी? मैं तो कहीं कांगू जड़ा जाऊंगी गई। क्यों अति ऊंचे के जाऊंगी मैं? अनमेंड था उसमें कोई इंसान नहीं है, लेकिन मम्मी को हम फिर भी एक बार मम्मी कह रही थी ऊंची के जाऊंगी नहीं 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 बागू बरणी हवा बननी पड़ी धर्म में जो तू ये उड़ली जो खूब नो देख जी। आप ऑर्डर कर सकते हो, कमेंट कर देना। तो आज का ब्लॉग ने करा चाहिए एंड, और मिला जाता नेक्स्ट ब्लॉग में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आसपास कूड़ो कचरो मत फैलाओ। राम राम।